नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के खागा नगर पंचायत गड़ी में अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक में 166वां विजय दिवस मनाया गया, जिसमें कई जिले से आए लोगों सहित सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग लिया। आप लोगों को बताते चले कि आए हुए अतिथियों ने सबसे पहले अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह के और परिवार के 5 लोगों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह अमर रहे के जयकारे के साथ कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को भी माला और बुक्के देकर सम्मानित किया गया। और इस कार्यक्रम को संवारने वाले धर्मेंद्र सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बृजमोहन पांडेय जी और इस कार्यक्रम का आयोजन मंत्री श्री रामकृपाल सिंह सहित पूरी कमेटी ने किया और इस कार्यक्रम का संचालन बड़े ही सत्कार शालीनता आदर से डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने किया और एराया ब्लॉक अध्यक्ष श्री अनुज सिंह ने 20x50 के बैठने का हाल बनवाने की घोषणा भी की, जिसके लिए अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह समिति ने आभार व्यक्त किया। और 1857 में अंग्रेजों को मार भगाने में युद्ध कर 32 दिन तक हुकूमत चलाई और यही खागा में अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह परिवार के साथ भोजन ग्रहण कर रहे थे कि मुखबिर द्वारा अंग्रेजों ने घेरा बंदी कर आक्रमण कर दिया, जिसमें 6 लोगों की जान गई। आए सुने क्या कहा समिति के मंत्री रामकृपाल सिंह, अनिल कुमार निर्झर और संचालन कर रहे डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। शादी में रहना बहुत जरूरी है, तो निश्चित रूप से आज के इस विजय दिवस के अवसर पर मैं आदरणीय मंत्री जी से चाहता हूँ कि अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक समिति की जो प्रगति आख्या है उसमें भी प्रकाश डालेंगे और आज का जो विजय दिवस का समारोह है इस पर भी अपनी बात रखेंगे। आदरणीय मंत्री जी, मंच तक आए अनिल कुमार जैसर जी, आग्रह है कि वो मंच तक आ जाएं और आज इस विजय दिवस के अवसर पर कुछ वो पंक्तियां हम सबके बीच रखेगी। अनिल कुमार निर्झर जी, जो जिनके मुंहों में सदा ही ताव होता है, कभी कोई गम में न कोई भाव होता है, जिनके मुंहों में सदा ही ताव होता है, अपने पराये का कभी न भाव होता है, समर्पित जो रहा करते हमेशा राष्ट्र करते, समर्पित जो रहा करते हमेशा राष्ट्र खातिर युगों में पैदा, कहीं कभी कोई दरियाव होता है वो पैदा कहीं कभी आइए नमन करते हैं उन वीरों को जिन्होंने 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था कि हिंद को नमन, हिंद को नमन, सिंधु को नमन, हिमगिरि को नमन, अब जन्मभूमि पुण्य हिंदुस्तान को नमन, सिंधु को नमन, हिमगिरि को नमन, पुण्य जन्मभूमि हिंदुस्तान को नमन, शत्रु दरबार में हरा था शत्रु का ही ताल, शत्रु दरबार में हरा था शत्रु का ही ताल, ऐसे वीर उस चौहान को नमन है, शत्रु दरबार में हरा था शत्रु का ही ताल, ऐसे शत्रु में भी चौहान को नमन है, खाई खाना रोटियां झुकाया ना कभी भी सवाल स्थान को नमन है, असिधार काट डाले शीश से फिरंगियों के, असिधार काट डाले शीश से फिरंगियों के, पीर दरियावा सुजान को नमन, दरियावा सुजान को नमन, ठाकुर दरियाव सिंह के शहादत और उनके शौर्य के पराक्रम की मैं सुन रहा हूँ। वैसे किताबों में तो हमने भद्रता को अजित भान सिंह जी ने लिखा, उसमें भी लिखा है, जंगनामा में भी है और अमृत लाल नागर के गदर के फूल उन्होंने लिखा, उसमें पढ़ा, लेकिन आज मैं इस धरती को नमन करने का अवसर भी मिला तो मैं सभी सेनानी परिवारों को उनके उत्तराधिकारियों का आह्वान करता हूँ कि हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए और उस अधिकार के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। सरकार केवल वोट की भाषा समझती है, हमें वोट बनना होगा। हम 2 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं, लेकिन हम इकट्ठा कहीं टिक नहीं रहे हैं, हमें वो सरकार को अपनी ताकत दिखानी है और एकजुट होकर के अपनी अपने अधिकार को प्राप्त करना है। जय हिंद, जय भारत। बुके देकर के आप उनका स्वागत करते हुए
स्वागत करेंगे और हम शिवशंकर शुक्ल जी दल के अध्यक्ष हैं, आपकी सहभागिता एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। और इसी कड़ी में रोशनी जी करके स्वागत करेंगी और मैं आदरणीय मैं कुछ आज के इस विषय पे चर्चा करूं, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। ऐसा हो कि आप तो माला पहना करके आप उनका स्वागत करेंगे और आपके घर में भी आप उसको मंच तक छोड़ने का आप करें। मैं बच्चों आकाशवाणी एवं दूरदर्शन प्रयागराज से श्री लोकेश शेट्टी जी के द्वारा अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अगली करेंगे। हमारे बीच में जो बताओ जो भी आप तोपों से उड़ा दिया और आग लगा दिया। खागा